भारतीय ट्राइबल पार्टी ने आरएसएस के जनजाति सुरक्षा मंच की ओर से धर्मांतरण कर चुके आदिवासियों की डीलिस्टिंग करने की मांग का विरोध किया है। बीटीपी ने आदिवासी धर्म कोड को बहाल करने की मांग उठाई है। बीटीपी नेताओं ने कहा कि अगर डीलिस्टिंग हो जाती है तो आदिवासी और जनजाति क्षेत्र का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। बीटीपी के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. वेलाराम घोगरा और पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता देवेंद्र कटारा कहते हैं कि साल 1871 में आदिवासियों ने धर्म कोड हासिल किया था। यह धर्म कोड 1961 तक रहा, लेकिन इसके बाद कांग्रेस सरकार ने आदिवासियों के धर्म कोड संख्या 7 को समाप्त कर दिया। आदिवासियों का धर्म कोड समाप्त करने से आदिवासियों को धर्म विहीन कर जबरन दूसरा धर्म अपनाने को मजबूर किया गया। आदिवासी धर्म कोड खत्म होने से देश के कई राज्यों में आदिवासियों ने मजबूरी में अलग अलग धर्मांतरण कर लिया है और आदिवासी समाज देश में बिखर गया है। उन्होंने कहा कि ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म और हिंदू धर्म, हर कोई धर्म आदिवासी को अपने में मिलाने में लगा हुआ है। ऐसे में आदिवासियों का सम्मान और सुरक्षा खत्म हो गई है। आदिवासियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए सरकार को आदिवासियों के धर्म कोड संख्या 7 को फिर से बहाल करने की आवश्यकता है। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहे, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।